नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने करनाल में किया शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण, प्लाजा बैंक का भी उद्घाटन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण किया और कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्थापना प्लाजा बैंक का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने प्लाजा बैंक के लिए दान करने वाले 10 व्यक्तियों को भी प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। मित्रों, आज हमारे शहीद मदनलाल ढींगरा जी का शहीदी दिवस 17 अगस्त यह है। हमको मालूम है कि देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने, जिन क्रांतिकारियों ने इसमें अपना योगदान दिया, उसमें मदनलाल जी ढींगरा इनका बहुत एक प्रमुख नाम है। इन्होंने लंदन में करजन वाहिली को मौत के घाट उतारा और इनको फांसी की सज़ा हुई। फांसी का फंदा चूमने से पहले इन्होंने देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता, उसके बारे में कहा कि मुझे देश की स्वतंत्रता के लिए कितनी ही बार इस प्रकार से जन्म लेकर के फांसी हो, मैं धन्य हूँ अपने देश की, भारत माँ की आज़ादी के लिए। और उस नाते से आज एक इस बस स्टैंड पर श्री मदनलाल जी ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और साथ ही इस बस स्टैंड का नाम श्री मदनलाल ढींगरा बस स्टैंड करनाल ये रखा जाएगा। और ये जो कि हाईवे के ऊपर स्थित है, इसलिए हर आने जाने वाले को मदनलाल जी ढींगरा की प्रतिमा का दर्शन करने का ये मौका मिलेगा। चूँकि ये प्रतिमा पहले दूसरे स्थान पर लगी हुई थी, तो ये विचार किया गया कि वो एक छोटा स्थान है और वहाँ पर, उस छोटे स्थान पर इस प्रतिमा का जितना एक प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, तो उस पार्क से इस प्रतिमा को उठा करके भी यहाँ लगाया गया है। लेकिन ये छोटी प्रतिमा, इसका उपयोग कहीं और करेंगे, अगले एक साल के अंदर यहाँ एक बड़ी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी, उसके लिए मैंने आज निर्देश दे दिया। यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकूला, रोहतक और फरीदाबाद, ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर, एक प्रकार से जो कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं, उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। प्लाज्मा दान किसी के भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत सर्वोत्तम ऐसा ही उपाय निकला है, तो प्लाज्मा दान को महादान कह करके मैं अपील करता हूं कि ऐसे ज़्यादा ज़रूरत है। हरियाणा में डेथ रेट 1.15 आ गया है, जबकि बाकी प्रांतों में, देश भर में ये कहीं काफ़ी आगे है। हमारा प्रदेश सभी प्रांतों को अगर तुलना करें तो आज 17वें नंबर पर है इस मामले में, यानी एक प्रकार से 16 प्रांत हमारे से ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल रहा है, फिर भी लगभग 350 लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे बड़ा दुख है उस बात का। और इसमें ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कंट्रोल किया जाए और ये वहाँ कोरोना की जो गति है उसको हम कम करें।